अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख आपके चैनल के साथ, लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार नहीं बताना चाहता कि मैं टूर पे हूं, तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद मेरा पूरा हो, क्योंकि मेरा मकसद को नाजायज़ नहीं है, जायज़ ही है। तो अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। चलें, आपसे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करनी थी, जो कि काफ़ी मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट भी रही है। टाइम नहीं था क्योंकि मैं टूर पे था, तो सॉरी मैं लेट हो गया। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर जाने मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो नहीं बनाता। तो मेरी वीडियो जस्ट फॉर नॉट अर्निंग द व्यूज़ और जस्ट फॉर नॉलेज। लाजमी सी बात है कि मेरी वीडियोस इस लाइक हों कि वो देखने के बाद कोई भी शख्स ये कैपेबल हो कि वो अपना काम खुद से कर सके, नो नीड एनी एजेंट। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना केस एज अ स्टूडेंट वीज़ा खुद ही तैयार कर पाएंगे। जस्ट कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो इसमें अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है वीडियोज़ मेरी जो हैं वो लंबी ना हो, क्योंकि देखें ज़्यादा लंबी बात किसी को पसंद नहीं आती। चलें वीडियो शुरू करते हैं, टाइम ख़त्म करते हैं। इसमें जो सबसे जो मेनली है कि आपकी एजुकेशन है, देखिए मिनिमम जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आप जाते हैं, तो मिनिमम आपकी एजुकेशन जो है वो 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन जब आप नॉर्वे की बात करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम आपकी एजुकेशन बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से होनी चाहिए। मिनिमम आपने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ हो, क्योंकि ये जो नॉर्वे है ये बैचलर्स के स्टूडेंट्स को इतना लाइक नहीं करता, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ये पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाइक करता है। तो कंसिडरेशन मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने बैचलर्स नहीं की हुई तो आप अप्लाई ना करें। और गैप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि देखें फ्री एजुकेशन है तो ये हर किसी को एडमिशन नहीं देने वाला, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही लंबी क्यू है और एक बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन है। साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप जब एजुकेशन कम्प्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपनी जो स्टडी का स्टेटस है उसको आप वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट। आपको अपने मुल्क वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आप इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको 20 घंटे पार्ट टाइम वर्क अलाउड भी होगा पर वीक, तो आप स्टडी के दौरान भी अपने एक्सपेंसिस बेयर कर पाएंगे। और कुछ शर्तें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए, और ऐसे के जो एडमिशन्स हैं वो एक ही दफ़ा होते हैं पूरे साल में। दिसंबर 1st से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनवर्ड ये 1st मार्च 2023 तक एडमिशन्स होंगे, और क्लासेस आपकी जो शुरू होंगी वो 1st अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगी। तो एक ही इनटेक इनका पूरे साल में होता है, दो दफ़ा इनके एडमिशन बिल्कुल नहीं होते। ज़रा जहन में रखिएगा, जहन नशीन रखिएगा। और जो ट्यूशन फ़ीस हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें थी मैंने आप लोगों के लिए गैदर की हैं, कि देखें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी फ्री हैं, चाहे आप यूरोप से जाएं, चाहे आप पाकिस्तान से जाएं, चाहे इंडिया से जाएं या कहीं से भी जाएं, तो वो आप लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फराहम करता है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। बस आपने जो उनकी स्टूडेंट यूनियन है उसकी एक फ़ी होती है जो कि 30 यूरोज़ टू 60 यूरोज़ पर सेमेस्टर, तो 30 यूरो से 60 यूरो कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको कन्वर्जन करते हैं किसी और करेंसी के साथ तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही चीपर एजुकेशन है, लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन है पूरी दुनिया के मुकाबले में। जो टॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो नाम है वो नॉर्वे में आता है। तो आपको ट्यूशन फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है कि 30 से 60 यूरोज़ है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे मुल्क में है या रीजन में, जो कहता है नहीं जी मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मुझे जगह नहीं मिली, तो फिर उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इनकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 80,000 नॉक से स्टार्ट होके 140 नॉक तक है, 7,000 यूएस डॉलर पर ईयर से लेके 12,400 यूएसडी पर ईयर तक इनकी ट्यूशन फ़ीस है। तो अगर आप में अफोर्डेबिलिटी है तो आप इधर चले जाएं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि जब फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है तो आप फ्री एजुकेशन का इंतखाब करें, जो कि नो फी 30 से 60 यूरोज़ इसकी ट्यूशन फ़ीस, स्टूडेंट यूनियन फ़ीस है, जो कि फ्री ही समझ लें आप।
बाकी जो शरायत के अंदर मैंने आपको बताया कि गैप आपका ना हो बहुत बेहतर है, क्योंकि गैप को कंसिडर नहीं करेगा नॉर्वे। अगर आप गैप है आपके साथ तो प्लीज़ आप अप्लाई ना करें, क्योंकि पहली बात तो ये आपको एडमिशन मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक्ड है। तो आपकी जो परसेंटेज है, मिनिमम मेरी रिकमेंडेशन है 70% से अबव हो तभी आप नॉर्वे की तरफ जाइएगा। 70% से अगर आपकी कम परसेंटेज है, 65 है तो भी चले, मे बी के दे विल कंसिडरिंग यू, बट अगर आपकी 65 से बिलो है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई आपका एडमिशन नहीं होने वाला। दिल नहीं तोड़ रहा, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आइल्स की रिक्वायरमेंट, जी हाँ है, आइल्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 6.5 बैंड्स आपके आइल्स में बैंड्स होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 6.5 बैंड्स आपके चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटी 6.0 बैंड्स को भी एक्सेप्ट करती है। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है, मैंने आपको बता दिया है। ट्यूशन फीस भी मैंने आपको बता दिया, तकरीबन फ्री है। इसमें भी ब्लॉक अकाउंट का चक्कर है, जैसे आप जर्मनी जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो ब्लॉक अकाउंट चाहिए वो 1,28,887, यानी कि अगर इसको मैं कंपाउंड में कर दूं तो 1,29,000 NOK, यानी कि लोकल करेंसी है, नॉर्वे क्रॉन है, आई थिंक नॉर्वेनियन क्रॉन है। अब आप इसको देख लीजिएगा, मैंने अभी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखा है तो कोई 30 लाख के अप्रॉक्स इसकी अमाउंट आ रही है। तो इसका आपने नॉर्वे में ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, इसके बगैर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो 1,28,887, 1,28,887 नॉर्वे क्रॉन, जो कि इक्वलेंट टू 29 लाख PKR। आप इसको 30 लाख भी कंपाउंड में रखें, क्योंकि डॉलर के रेट फ्लैक्चुएट करते हैं, जैसे ही करेंगे तो ये यूरो भी फ्लैक्चुएट करेगा। तो आपके पास 30 लाख रुपीज़ का ब्लॉक अकाउंट आपने खुलवाना है। अगर आप वहाँ पे बैंक अकाउंट में नहीं खुलवा पा रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन देगा वही आपकी हेल्प करेगा कि आपने किस तरीके से अपनी बैंक अकाउंट ओपन करना है नॉर्वे में। तो ये सारी तैयारी आपने कर लेनी है, और एप्लीकेशन फ़ी आपने लाजमी पे करनी है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एडमिशन फ्री है। तो क्लासेस फ्री हैं तो इन्होंने एप्लीकेशन की फ़ी रखी हुई है, जो कि 5,900 NOK है, नॉर्वेन क्रॉन है, जो कि इक्विवेलेंट अभी मैंने PKR में निकाला है, तो 1,35,000 रुपीज़ इसकी अमाउंट बनती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ज़रा जहन में रखिएगा, आपने किसी एजेंट को नहीं देनी है, आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है। तो वो जब तक आपने ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे की, आप इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको कंसिडर भी करेंगे। यू आर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे भी नहीं। आपने पहले एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, उसके बाद ये भी देखना है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने से पहले आपने देखना है कि आपके पास आइल्स मौजूद होना चाहिए, आपका एजुकेशन गैप ना हो, और साथ ही साथ आपके पास जो है 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो आप ब्लॉक अकाउंट में अपेयर कर सकते हो। ये उनकी शर्त है, इसके बगैर वो आपको वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे। तो आपने तमाम ये रिक्वायरमेंट जब पूरी कर देनी है तो उसके बाद ही अब अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोई फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी। वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो $7,000 से लेके $12,000 तक साल की फ़ीस है। आई होप कि आपको वीडियो समझ भी आई होगी और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको कि आपने किस तरीके से करना है। और उसके बाद आपने VFS ग्लोबल पे ही जाके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी है, और उसके बाद वीज़ा की तैयारी करनी है। और इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको UDI की जो इनकी वेबसाइट है नॉर्वे की, उस पर जाके आपने ख़ुद फिल करनी है। किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है। अगर मेरी हेल्प चाहिए अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, अगर मेरी हेल्प चाहिए आपको एडमिशन असिस्टेंस के हवाले से, तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे, और पूरी उसके सदके में पूरी दुनिया के लिए आसानियां करे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी चैनल को सपोर्ट करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।